आवारा कुत्तों ने किया बच्चे पर जानलेवा हमला। क्या इसे प्रशासन और अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा कहा जा सकता है? बेलगाम शहर के आजम नगर में आवारा कुत्तों द्वारा एक मासूम बच्चे पर हमला करने की घटना सामने आई है। जख्मी बच्चे को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। बच्चा बुरी तरह घायल है। सर और शरीर के दूसरे हिस्सों में कुत्तों के दांतों के निशान नजर आ रहे हैं। 8 साल के जख्मी बच्चे का नाम अरकान रियाज अत्तार है। बच्चा खेलते खेलते जब घर से बाहर आया तब वहां मौजूद करीब 8 से 10 कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला किया। इस हादसे से लोगों में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। नाराज लोगों में से महानगर पालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाने पर भी सोच विचार किया जा रहा है। शहर के कई इलाकों में इस तरह के हादसे पेश आ रहे हैं। कई लोगों ने इसकी प्रशासन से शिकायत भी की है, लेकिन प्रशासन इन आवारा कुत्तों पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। क्या इस बच्चे पर हुए हमले को प्रशासन और अधिकारियों की लापरवाही कही जा सकती है? ऐसे हादसों में अगर किसी की जान चली जाए तो उसके जिम्मेदार कौन होंगी? इन हमारे सवालों पर गौर करें। प्रशासन को चाहिए कि कोई मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठने से पहले ही आवारा कुत्तों पर कार्रवाई कर बेलगाम के लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें।